नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा के विधायक रमीला खड़िया के स्वर्गीय पति हुरतेंग खड़िया के मूर्ति अनावरण को राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने ऑनलाइन वर्चुअल अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के बाद सीएम हाउस से मूर्ति अनावरण स्थल पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वर्गीय खड़िया को युवा राजनीतिक बताया। वहीं पूर्व में किए गए कार्यों की सराहना की। सीएम ने कहा कि कुशलगढ़ क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाने के कार्य को गति लाई जाएगी, कोरोना से बचाव करने का भी संदेश दिया। वहीं तीसरी लहर से बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान सरकार की बड़ी प्राथमिकता है और अधिक विकास के कार्य होंगे। वहीं वर्तमान सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में और विकास कराने के लिए अग्रसर है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राज्य भर में लागू कर गरीब लोगों का बीमा फ्री में किया। 850 रुपए से लेकर 5 लाख तक सरकारी हॉस्पिटल में उपचार की योजना लागू की। गांव गांव को घर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाया। वहीं विधायक रमीला खड़िया ने भी बताया कि स्वर्गीय पति के द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं, जनता उन कार्यों को भली भांति जानती है। वहीं उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए कुशलगढ़ विधानसभा की जनता ने विधायक बनाया है। वहीं इस समय विधायक अपने उद्बोधन के समय भावुक हो गई। वहीं विधायक ने कुशलगढ़ विधानसभा के विकास कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करने की गुहार लगाई। वह इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस कप्तान कावेंद्र सिंह सागर, जिला प्रमुख रेशम मालविया, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, प्रधान रामचंद्र डिंडोर, हसमुख लाल सेठ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत खाविया, कांग्रेस नेता जयंतीलाल कवालिया, नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, प्रधान कानेंग रावत, मांगीलाल नायक आदि उपस्थित रहे।